तो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूँ मोयू के मेलॉन्ग 3C क्यूब की और क्यूब लेलो ड्रिफ्ट क्यूब की। तो इन दोनों की अनबॉक्सिंग पहले से ही मेरे चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और काफ़ी दिनों से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि कमेंट आ रहे थे कि आप इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन वीडियो लाए ताकि हमें पता लगे कि कौन सा क्यूब हमारे लिए बेस्ट होगा बजट में। वैसे मैं आपको बता दूं, इन दोनों का प्राइस जो नियरली सेम ही है, ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा थोड़ा। जो अभी प्राइस है मैं वो यहाँ पर वीडियो में लगा दूंगा, आप देख लेना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो ड्रिफ्ट है, ये मेरे पास स्टिकर्ड वर्जन है और मैंने इन दोनों क्यूब को प्रॉपरली ड्यूब कर दिया है और सेटअप भी किया है अच्छी तरह, ताकि इनका जो फुल पोटेंशियल है वो बाहर आए। तो कलर्स पे तो मैं ज़्यादा बात कर नहीं सकता क्योंकि ये स्टिकरलेस है और ये स्टिकर्ड है। तो हम सीधा इनकी कॉर्नर कटिंग पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मेलॉन्ग 3C की कॉर्नर कटिंग देख लेते हैं। ये पहले 30 डिग्री आराम से कर रही है, 45 तो नहीं है, 30 डिग्री हो गए, 30 डिग्री आराम से कर रही है, 45 से थोड़ा कम आराम से कर रही है और 45 से ज़्यादा भी ये कर लेती है। मैंने इसको प्रॉपरली सेट किया है, इसमें ल्यूब भी डाला है क्यूब ले लो का, जैसा कि आप देख सकते हो, आपको ल्यूब दिख रहा होगा। तो अगर आप मेलॉन्ग 3C को प्रॉपरली सेटअप कर लेते हो तो इसकी कॉर्नर कटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, उसकी टर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और अब बात कर लेते हैं इसकी कॉर्नर कटिंग की, ड्रिफ्ट की। तो इसकी कॉर्नर कटिंग इसके कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं आपको दिखा दूँ, ये इतना आराम से कर लेता है, 30 डिग्री भी कर लेता है, 45 नहीं कर पाता है बिल्कुल भी, बहुत ही स्ट्रेन सा लॉकअप हो जाता है इसमें देखो। और जहाँ बल्कि मैंने इसको भी प्रॉपरली ल्यूब किया है जैसा आप देख सकते हो। तो इनकी साइज़ की बात कर लेते हैं, तो साइज़ तो लगभग इनका 56 मिलीमीटर ही है, जैसा कि आप देख सकते हो, लगभग दोनों सेम ही है। मेरे हाथ में तो दोनों ही काफ़ी अच्छे तरह बैठ जाते हैं, तो मैं तो इनको सेम ही तरह यूज़ कर लेता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इनकी लुक्स की। तो लुक्स में तो ऑब्वियसली क्यूब ले लो का ड्रिफ्ट 3M किल करता है क्योंकि इसमें स्टिकर्स लगे और स्टिकर का क्यूब आप पता ही है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं स्टिकरलेस में देखो तो आप इसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम होती है और आप इसको ज़्यादा दिनों तक यूज़ भी कर सकते हो। इसमें कोई भी स्टिकर्स का पंगा नहीं होता, ये कभी हटेंगे नहीं, ये कलर कभी फेड भी नहीं होंगे। मैंने इसका सन टेस्ट भी किया था, इसे मैंने 5 to 3 hours इसे सन में रखा था, तो इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ था। और मैं इसका बता दूँ, ये तो स्टिकर्स आपको पता ही है स्टिकर्स का क्या पंगा होता है, या अगर आपको थोड़ा सा भी हट गया तो हम पूरा ही हटा देते हैं, उसे चुल मच रहती है और ऐसा ही है स्टिकर्स का पंगा। तो अब बात कर लेते हैं दोनों की टर्निंग की। सबसे पहले मैं मेलॉन्ग 3C को टर्न करूँगा और फिर ड्रिफ्ट को टर्न करूँगा, तो आप मुझे खुद ही कमेंट्स में बता देना कौन सा ज़्यादा फास्ट है। अब मैं क्यूब लेलो के ड्रिफ्ट को टर्न करूंगा। देखो मैंने बोला था ना ये मैस हो जाएगा, देखो मैंने अपना कंट्रोल इस पर खो दिया और ये मैस अप हो गया, ये इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और ई पम्प लगाने में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अभी तो मैंने सक्सेसफुली लगा दिया वरना मैं हमेशा मैस अप कर ही देता हूँ इस एल को इसमें। तो वीडियो में आपको इसकी स्पीड जो ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन कंट्रोलेबल ज़्यादा ये है, आप इसको अच्छी तरह कंट्रोल कर पाओगे भले, और वहीं इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे जैसा कि आपने देखा मैंने ये सब मैसअप कर दिया। तो बात लेते हैं आपको कौन सा बाय करना चाहिए। क्यूब लेलो को ड्रिफ्ट का जो स्टिकरलेस वर्जन है वो काफ़ी बुरा है, मैंने वीडियोस में भी देखा है, उसका जो रेड कलर होता है वो बिल्कुल पिंकिश होता है, बहुत ही ज़्यादा बकवास लगता है, आप उसमें इतनी अच्छी तरह सॉल्व भी नहीं कर पाते। उसके कलर्स मेलॉन्ग 3C के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा बकवास है, तो इसलिए मैंने स्टिकर मंगवाया था। फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि आपको बाय कौन सा करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको ज़रूर मेलॉन्ग 3C के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो कंट्रोलेबल है
और अगर आपने इसको प्रॉपरली सेट कर लिया तो 45 से भी ज़्यादा कॉर्नर कटिंग कर लेता है, देखो ओवर 45 भी आराम से टर्न करता है। और रिवर्स कॉर्नर कटिंग, और अगर आपके पास कोई स्टिकर क्यूब नहीं है तो आप इसके पास जरूर जा सकते हो। इसकी स्पीड और वो तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये कंट्रोलेबल बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको स्पीड्स ऑफ नहीं कर सकते, आप इसमें बहुत ज़्यादा मैसअप करोगे। तो मैं आपको ये बता दूँ, आपको ये वाला क्यूब लेना चाहिए। इसका इन दोनों का प्राइस लगभग सेम ही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। और बस टिल देन, बाय बाय।